फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। आज मैं आपको हार्डवेयर के रिलेटेड कुछ बताऊंगा कि हार्डवेयर कौन कौन से रिक्वायर्ड है फॉर एम्बेडेड प्रोग्रामिंग के लिए। सबसे पहले आपको जो हार्डवेयर रिक्वायर्ड होगा एम्बेडेड प्रोग्रामिंग के लिए वो है एलईडी। आपको इस तरह की एलईडीज लेनी है, कुछ एलईडी दिखने में इस तरह होती है। एक लेग छोटी होती है और दूसरी लेग थोड़ी बड़ी होती है। एलईडी के बाद आपको रजिस्टर लेना है। रजिस्टर इस तरह होता है दिखने में। रजिस्टर के बाद आपको वायर्स लेने हैं। वायर्स में सबसे पहले मेल टू मेल, यह है मेल टू मेल, दोनों साइड से मेल टू मेल। उसके बाद आपको फीमेल टू फीमेल लेना है, यह फीमेल टू फीमेल वायर्स। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन 6-7 लीजिएगा। 6-7 मतलब मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल और मेल टू फीमेल, यह है मेल टू फीमेल, यह मेल और यह है फीमेल। एक साइड से फीमेल, दूसरी साइड से मेल। और उसके बाद आपको मिनी बी यूएसबी वायर लेनी है। उसकी एक साइड इस तरह की दिखने में होती है और दूसरी साइड इस तरह की होती है। यह है मिनी बी यूएसबी वायर। मिनी बी यूएसबी वायर के बाद आपको यह हार्डवेयर लेना है। इसे ब्लूटूथ मॉड्यूल बोलते हैं। यह दिखने में इस तरह होता है। इसके बाद आपको सीरियल मॉड्यूल लेना है। सीरियल मॉड्यूल ये होता है। सीरियल मॉड्यूल के बाद आपको एक ब्रेडबोर्ड लेना है, ये वाला ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड के बाद फाइनली आपको डिस्कवरी बोर्ड लेना है, ये डिस्कवरी बोर्ड। आप मार्केट में डिस्कवरी बोर्ड ही बोलिएगा, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर ये एक सिंपल चिप होती है जो इस पूरे डिस्कवरी बोर्ड में अटैच होती है। मार्केट में आप डिस्कवरी बोर्ड बोलेंगे या माइक्रो कंट्रोलर STM32 बोलेंगे, तो माइक्रो कंट्रोलर STM32 ये है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। आपको कोई भी हार्डवेयर चाहिए या पीसी चाहिए या लैपटॉप चाहिए या कोई भी चीज़ इनमें से चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया। थैंक यू।